हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, ऐसे हम ईश्वर से कामना करते हैं। बच्चों, आज हम लोग आपकी संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा का 10वां पाठ विश्व बंधुत्वम पढ़ेंगे। और इस पाठ में विश्व बंधुत्व, भाईचारा, सौहार्द, प्रेम, इन सब की चर्चा करेंगे। संपूर्ण विश्व में रहने वाले सभी जन, सभी लोग आपस में कैसे मिलजुल कर रहें, एक शांति का वातावरण किस प्रकार से स्थापित हो, इन सब बातों की हम इस पाठ में चर्चा करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं विश्व बंधुत्व की भावना को समाहित किए हुए इस पाठ को। देखें, उत्सवे वेशने दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे दैनंदिन व्यवहारे च यह सहायताम करोति सह बंधु भवति। बच्चों, पहली पंक्ति में एक बंधु, अपने भाई, जो हमारा हित चाहने वाला व्यक्ति है, उसकी पहचान बताई, कहा गया उस व्यक्ति के बारे में कि हमारा मित्र बंधु कौन है, जो उत्सव में व्यसने व्यक्तिगत संकट आने पर, किसी व्यक्ति के ऊपर कोई संकट आ जाए तो संकट में वह साथ दे। दुर्भिक्षे, अकाल पड़ने पर, राष्ट्र विप्लवे, राष्ट्र के ऊपर संकट आने पर, राष्ट्र में आपदा आने पर, दैनंदिन व्यवहारे, प्रतिदिन की लेन देन में, प्रतिदिन के व्यवहार में, च यह सहायताम करोति, इन सब कामों में जो सहायता करता है, उत्सव में हो, व्यक्तिगत संकट आने पर हो, अकाल पड़ने पर हो, देश में संकट आने पर हो, या प्रतिदिन के व्यवहार में आने वाले संकटों में, यह सहायताम करोति, जो सहायता करता है, सह बंधु भवति, वह बंध होता है, वह अपना भाई होता है। यदि विश्वे सर्वत्र एतादृशः भावः भवेत्, अगर विश्वे, संपूर्ण विश्व में, सर्वत्र, सब जगह, एतादृशः भावः, इस प्रकार का भाव भवेत् हो या पैदा हो जाए, यदि विश्व के हर एक प्राणी में, हर एक मनुष्य में इस प्रकार का भाव पैदा हो जाए, तदा तो ही विश्व बंधुत्वम संभवति, विश्व बंधुत्व संभव है। सभी लोग अपने साथ रहने वाले, अपने पास रहने वाले, अपने प्रवेश में रहने वाले सभी प्राणी वर्गों को सहायता की, हमेशा जिनको जरूरत हो उनकी सहायता करें, अगर यह भाव सभी के अंदर आ जाए तो ही विश्व बंधुत्व संभव है। संपूर्ण विश्व को एका के सूत्र में पिरोने का जो भाव है वो तभी संभव हो सकता है जब सब एक दूसरे की सहायता करें। परंतु लेकिन वास्तविकता क्या है? अधुना इस समय निखिले संसारे, संपूर्ण संसार में कलहस्य अशांतेह च वातावरणमस्ति। लेकिन आज जो हम देख रहे हैं पूरे संसार में कलह का, लड़ाई झगड़े का, अशांतेह, अशांति का वातावरण है। लेकिन आज पूरे संसार में कलह और अशांति का वातावरण है। मानवाः परस्परम न विशेषन्ति, जो मनुष्य हैं परस्परम एक दूसरे का या आपस में न विश्वसन्ति, विश्वास नहीं करते हैं, किसी भी मनुष्य को एक दूसरे पर भरोसा नहीं है। ते परस्य कष्टम स्वकीयम कष्टम न गणयन्ति, वे अर्थात सभी मनुष्य परस्य कष्टम, दूसरे का कष्ट, दूसरे की तकलीफ, जब दूसरों को सहायता की आवश्यकता होती है तो स्वकीयम कष्टम न गणयन्ति, अपना कष्ट नहीं समझते हैं, वो दूसरे के कष्ट को अपना कष्ट नहीं समझते हैं। मतलब उनको ये लगता है
कि आज यह व्यक्ति समस्या में है, तकलीफ में है, तो कल हमको ये समस्या या तकलीफ नहीं हो सकती। अगर हम ये भाव अपने अंदर भर लें कि आज यह आदमी समस्या में है, कल यही समस्या हमको भी हो सकती है, तो हम उसकी सहायता करें, कल को वो हमारी सहायता करेगा। अगर ये हमारे मन में भाव आ जाता है तो हम सहायता करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। लेकिन सभी लोग अपने दूसरे के कष्ट को अपना कष्ट नहीं मानते, अपिचा और भी क्या, अपिचा समर्था देशा असमर्थान देशान प्रति उपेक्षा भावम प्रदर्शयन्ति। और सुनिए और क्या होता है, समर्था देशा, जो समर्थ देश हैं, समर्थ से मतलब जो हर प्रकार से संपन्न हैं, धन से भी वैभव से भी समस्त वस्तुओं से, जो समर्थ देश हैं, असमर्थान देशान प्रति, जो असमर्थ देश हैं अर्थात जिनके पास धनाभाव है, धन की कमी है, संसाधनों की कमी है, सुविधाओं की कमी है, उन असमर्थ देशों के प्रति उपेक्षा का भाव प्रकट करते हैं, उपेक्षा दिखाते हैं, अर्थात उनके साथ खड़े नहीं होते, उनके समस्याओं में, उनकी विपरीत परिस्थितियों में उनका साथ नहीं देते हैं। तेषाम उपरि, सहायता तो छोड़िए, बल्कि जो समर्थ देश हैं, असमर्थ देशों के ऊपर, तेषाम उपरि स्वकीयं प्रभुत्वं स्थापयन्ति, अपना प्रभुत्व, अपना हक जताते हैं, उनकी सहायता तो करते ही नहीं हैं, उनको परेशान और करते हैं, उनके ऊपर अपना प्रभुत्व दर्शाते हैं कि हमारा है तो हमारे हो। संसारे, संसार में सर्वत्र विद्वेषस्य शत्रुतायाः हिंसायाः च भावना दृश्यते। संसारे, संपूर्ण संसार में सर्वत्र हर जगह विद्वेष, ईर्ष्या की, शत्रुतायाः शत्रुता की, हिंसायाः च और हिंसा की, मारकाट की भावना दृश्यते, भावना दिखाई देती है। जहां भी पूरे संसार में जहां भी नजर जाती है वहां ईर्ष्या, शत्रुता, हिंसा, इस भावनाएं हमको दिखाई पड़ती हैं। देशानाम विकासः अपि अवरुद्धः भवति, और इस प्रकार की विचारधारा रखने के कारण से, इस प्रकार की सोच रखने के कारण से देशानाम विकासः, देशों का विकास अपि भी अवरुद्धः भवति, रुक जाता है। अगर किसी देश में इस प्रकार की सोच रखने वाले लोग निवास करते हैं या रहते हैं तो उस देश का विकास, उस देश की उन्नति भी अवरुद्ध हो जाती है। आगे देखें, इयम महती आवश्यकता वर्तते। अब यहां पर एक बहुत बड़ी आवश्यकता है, किस बात की, यत कि एकह देशः, एक देश अपरेण देशेन सह, दूसरे देश के साथ, इस बात की बहुत बड़ी आवश्यकता है कि एकह देशः, एक देश अपरेण देशेन, अपरेण मतलब दूसरे, देशे मतलब देश, सह मतलब साथ में, निर्मलेन हृदयेन, निर्मल हृदय से, साफ हृदय से बंधुतायाः व्यवहारं कुर्यात्। किस बात की आवश्यकता है कि एक देश दूसरे देश के साथ निर्मल हृदय से, साफ हृदय से बंधुता का अर्थात भाईचारे का व्यवहारं कुर्यात् व्यवहार करे। ये नहीं कि मन में कुछ और है और जुबान में कुछ और है, निर्मल हृदय के साथ, साफ मन के साथ सभी देश एक दूसरे के साथ बंधुता का व्यवहार रखें। विश्वस्य जनेषु, विश्व के जनेषु लोगों में, संपूर्ण विश्व के लोगों में इयम भावना आवश्यकी, इस प्रकार की भावना अत्यंत आवश्यक है। अगर हमें अपने समाज, अपने देश, अपने जनपद, इन सब का विकास करना है, इन सब की उन्नति करनी है, तो इस प्रकार की भावना सभी लोगों के अंदर होनी आवश्यक है, यह उसकी प्राथमिक शर्त है। ततः विकसित
अविकसित योह देश योह मध्ये स्वस्था स्पर्धा भविष्यति। इसके बाद ही जब हम सबके अंदर निर्मल हृदय की भावना आ जाएगी, जो कि आवश्यक है, तो विकसित अविकसित योह देश योह मध्ये एक विकसित और अविकसित, एक विकसित और विकासशील। एक देश वह है जो विकसित हो चुके हैं, एक देश विकासशील जो अर्थात विकास कर रहे हैं। ऐसे विकसित और विकासशील देशों के बीच स्वस्था स्पर्धा भविष्यति, एक स्वस्थ स्पर्धा होगी। जब हमारे अंदर इस प्रकार की भावना भर जाएगी, सुंदर भावना आ जाएगी, तो सभी देशों के बीच में या विकसित और विकासशील देशों के मध्य एक स्वस्थ स्पर्धा। स्वस्थ स्पर्धा मतलब जो भी बातें हैं, या स्वस्थ मतलब हेल्थ से नहीं है, स्वस्थ मतलब बिल्कुल साफ स्वच्छ, जो भी रहेगी सब पारदर्शी, ऐसी बातें होंगी। सर्वे देशाः, सभी देश ज्ञान विज्ञान योग क्षेत्रे, सारे देश ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में मैत्री भावनया सहयोगेन च, मैत्री भावना और सहयोग से समृद्धिम प्राप्तम समर्थाम भविष्यन्ति। सभी देश ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में मित्रता की भावना से और एक दूसरे के सहयोग से समृद्धिम प्राप्तम समृद्धि प्राप्त करने में समर्था भविष्यन्ति, समर्थ होंगे। सभी देश जितने देश हैं ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में मित्रता की भावना और सहयोग से समृद्धि प्राप्त करने में समर्थ होंगे। अर्थात सभी देश समृद्धि प्राप्त करेंगे, सारी सुविधाएं उनके पास होंगी, उन्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सूर्यस्य चंद्रस्य च प्रकाशः सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति। आपने देखा होगा सूर्य और चंद्रमा, सूर्य का और चंद्रमा का प्रकाशः प्रकाश सर्वत्र हर जगह समान रूपेण समान रूप से प्रसरति फैलता है, अर्थात पहुंचता है। सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश पूरी धरती में समान रूप से प्रसरित होता है, अर्थात फैलता है। प्रकृति ही अपि सर्वेषु समत्वेन व्यवहरति। एक पृथ्वी है, पृथ्वी भी सर्वेषु सबके लिए सभी में समत्वेन व्यवहरति, सभी के साथ समानता का व्यवहार करती है। प्रकृति की समानता का व्यवहार करने का तात्पर्य, प्रकृति सबको जल समान देती है, हवा समान रूप से देती है, प्रकृति में जो भी चीजें उपलब्ध हैं वो सबकी हैं, उन पर किसी का एकाधिकार नहीं है। तस्मात् अस्माभिः सर्वैः परस्परं वैरभावम् अपहाय विश्वबंधुत्वं स्थापनीयम्। तस्मात् इसीलिए अस्माभिः हम सबको भी, सर्वैः परस्परं हम सबको भी परस्परम आपस में वैरभावम् अपहाय, वैर भावना अर्थात जो दुर्भावना है, दुश्मनी की भावना है, उस भाव को अपहाय त्याग कर विश्व बंधुत्वम स्थापनीयम्, विश्व बंधुत्व की भावना को स्थापित करना चाहिए। इसीलिए हम सबको आपस के वैर भाव को त्याग कर विश्व बंधुत्व की स्थापना करनी चाहिए। अतः इसलिए विश्वस्य कल्याणाय एतादृशी भावना भवेत्। विश्व का कल्याण अगर करना है, विश्व का कल्याण अगर चाहिए है, तो एतादृशी भावना भवेत्, इस प्रकार की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए या हो, एक कामना करता है। इस श्लोक के माध्यम से उस भावना को स्पष्ट किया गया। कौन सी भावना है? अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम।
उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। अयम निजः, यह मेरा है। अयम मीन्स यह, निजः मीन्स मेरा है। परः वा इति, परः वेति, वा इति वह, वह सामान या वह वस्तु, वह स्थान, परः दूसरे का है। यह मेरा है और वह पराये का है, दूसरे का है। गणना, इस प्रकार की सोच रखना, इस प्रकार अपने मन में विचार लाना। लघुचित साम, जो छोटी बुद्धि का व्यक्ति होता है, छोटी सोच वाला, लघुचित साम, छोटी सोच वाले व्यक्ति की भावना कैसी होती है? अयम निजः परो वा इति, यह मेरा है और यह दूसरे का है। ऐसी सोच रखना छोटी बुद्धि के लोगों का काम है। उदारचरितानां, जो उदारचरित होते हैं, बड़ी सोच रखते हैं, विस्तृत सोच रखते हैं, उदार हृदय होते हैं, तो वे लोग वसुधैव कुटुम्बकम्, संपूर्ण धरती को वसुधा एव अर्थात संपूर्ण धरती को कुटुम्बकम्, अपना कुटुम्ब परिवार, संपूर्ण धरती को ही अपना परिवार मानते हैं। बच्चों, इस पूरे पाठ में आपने देखा कि जो मूलतः मुख्य रूप से जिस बात की चर्चा की गई वह थी विश्व बंधुत्व, वसुधैव कुटुम्बकम्। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि वसुधैव कुटुम्बकम् क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों है, आपसी बंधुत्व की भावना को स्थापित करके, एक दूसरे के हृदय में अपनी बात रख के हम इस भावना को साकार कर सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ ये पाठ समाप्त होता है। बच्चों, इसके बाद इसके अभ्यास प्रश्न, पहले प्रश्न में इन शब्दों का उच्चारण करना है सिर्फ, दूसरे प्रश्न में जो बाएं तरफ ये शब्द रखे हुए हैं, स्वकीयम अरुद्ध कुटुम्बकम अन्यस्य अपहाय समृद्धम कष्टम निखिले, इनके समानार्थक पद ऊपर बॉक्स में, जो ये नीले बॉक्स में शब्द रखे हुए हैं, परस्य दुःखम आत्मानम, इन शब्दों से ढूंढ करके आपको इन शब्दों के पर्यायवाची शब्द के सामने लिखने हैं। तीसरे प्रश्न में रेखांकित पदानि संशोध्य लिखत, जो रेखांकित पद है, पहले में कंदुकात, छात्रा क्रीड़ा क्षेत्रे कंदुकात क्रीडंती, तो यहाँ पर पंचमी विभक्ति लगी हुई है, तो यहाँ पर आपको खेल के मैदान, बच्चे खेल के मैदान में कंदुकेन गेंद से खेल रहे हैं, यहाँ तृतीया लगेगी। तो आपको जो भी कहीं विभक्ति बदलनी होगी, कहीं धातुरूप बदलना होगा, कहीं वचन बदलने होंगे, तो इन शब्दों को, जो अंडरलाइन शब्द हैं, रेखांकित शब्द हैं, इनको शुद्ध करके लिखना है। चौथा प्रश्न, जो बॉक्स में शब्द रखे हैं नीले बॉक्स में, नीचे लिखे शब्दों के विलोम पद उनसे छांटने हैं और जिनके सामने लिखना है। पांचवें प्रश्न में जो शब्द लिखे हैं, पद लिखे हैं, बंधु देशान प्रणाया कुटुम्बकम् रक्षायाम ज्ञान विज्ञानयोः, इनके लिंग वचन और विभक्ति ये लिखने हैं। छठवें प्रश्न में कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचितां विभक्तिं योजयित्वा रिक्तान् पूरयत्, विद्यालयम् उभयतः वृक्षाः सन्ति, जो विद्यालय शब्द लिखा है इसके उचित विभक्ति को यहां पर लिखना है। जैसे कृष्ण लिखा है तो कृष्ण का यहां जो उचित शब्द होगा, उचित विभक्ति लगा करके यहां पर लिखना है, ठीक है। कोष्ठकात् समुचितम् पदम् चित्वा दृक्स्थान पूरयत्, कोष्ठक में दो शब्द लिखे हुए में से एक शब्द उठा करके आपको यहाँ जो डॉटेड लाइन बनी हुई है यहाँ पर रखना, जो उचित हो। यहीं से पाठ समाप्त होता है। अगर अभी भी आपको कोई समस्या हो तो आप मुझे
जो व्हाट्सएप समूह बना है, ग्रुप बना है, उस ग्रुप के माध्यम से सूचित करेंगे। आपकी और जो भी समस्याएं होंगी उन समस्याओं को मैं बताने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।